गाइज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए वेलिंगटन क्रिकेट पवेलियन AMU का ग्राउंड है इससे आपके लिए दिखाता हूँ। गाइज देखिए कितना अच्छा बना है ये स्टेडियम, वेलिंगटन क्रिकेट पवेलियन काफ़ी अच्छा है ये ग्राउंड। यहाँ पर कोचेस वगैरह बैठते हैं मैच से पहले। यहाँ पर ये ग्राउंड में रणजी मैचेस होते हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर स्टैंड बैठने के लिए सभी दर्शकों के लिए। देखिए काफ़ी अच्छा सॉफ्ट इसका ग्राउंड है, बहुत ही काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। यहाँ पर रणजी के काफ़ी सारे मैच हो चुके हैं अब तक, और यहाँ पर अभी हमारा कैंप चल रहा है इसलिए मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ ग्राउंड को। हमारा कैंप अभी कुछ दिन हुए हैं कैंप, यहाँ हर साल मतलब कैंप चलता है क्रिकेट का, एक महीने का होता है और वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है फिर उसे लगा देते हैं तो फिर AMU से नंबर आसानी से आ जाता है। देखिए इसकी ग्रास जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट ग्रास है। यहाँ का इसका मेन गेट जहाँ से हम एंटर करते हैं इस ग्राउंड में, देखिए वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आपके लिए पिच दिखा रहे हैं पर मतलब अभी पिच बनी नहीं है कुछ प्रॉब्लम के कारण, मतलब पिच दोबारा दूसरी मिट्टी लाई गई है पिच पर, तो अभी बनने में थोड़ा टाइम है। और साइड में नेट्स लगे हैं आपके, उसे भी दिखाते हैं। और ये जामा मस्जिद है यहाँ पर, एक ग्राउंड के काफ़ी पास है ये मस्जिद। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ट्रायल्स होते हैं, देखिएगा मैं अभी पिच पर आया हूँ। इस पर मतलब बाहर से मिट्टी लाई गई है राजस्थान वगैरह से, तो नई पिच बनेगी अब कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी, 10-15 दिन लग जाएंगे अभी रेडी होने को। ये गाइस पिच है अभी बनी नहीं है, मतलब बनने में कुछ टाइम लगेगा 10-15 दिन का, अभी बता रहे थे ग्राउंडमैन। ये देखिए जामा मस्जिद कितनी बढ़िया लग रही है पीछे से देखने में, अभी आगे से और काफ़ी सुंदर है ये जामा मस्जिद। ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर लग रही है जामा मस्जिद। और गाइस ये देखिए स्कोर बोर्ड, यहाँ पर स्कोरिंग चलती है। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर अब बच्चे थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं कैंप वाले जो कैंप में सेलेक्ट हुए हैं। गाइस देखो घास इतनी सुंदर है, इस ग्राउंड की यही तो खास बात है, इसकी घास और सॉफ्ट मैदान, घास बहुत बढ़िया बाहर से लाई जाती है घास, और मैदान इसका बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पर डाइविंग कैच या फील्डिंग वगैरह से डाइव मार दो कुछ मतलब नुकसान नहीं होता शरीर में, कुछ इंजरी वगैरह नहीं होती, आराम से गिर सकते हैं इस ग्रास पर। देखिए बच्चे आ चुके हैं काफ़ी सारे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, रख रहा हूँ।